पटना के होटल मौर्या में उबर इन पटना फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन सचिव संजय अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। पटना में उबर टैक्सी की सफलता को देखते हुए उबर ने अब फैसला लिया है कि बिहार के बड़े जिलों में यात्रियों की सुविधा के लिए उबर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि आम जनता अब इस सेवा का लुत्फ उठा पाएंगे। पटना के अलावा बिहार के कई जिलों में उबर टैक्सी की सुविधा बहाल की जाएगी। लोगों को किसी भी समय 24 घंटे कहीं भी आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की। जो भी इस ऐप के माध्यम से बुकिंग कर रहे हैं ऊबर उनकी सुरक्षा की गारंटी ले और सुरक्षा की किसी भी अगर अनहोनी की स्थिति में पैनिक बटन की व्यवस्था है। सभी ड्राइवर्स का जो आपराधिक इतिहास है उसकी भी जाँच की जाती है। पुलिस को भी ये लिस्ट भेजते हैं। सभी के घर के पते की जांच की जाती है। एक सेफ्टी एस्पेक्ट है, कन्वीनियंस है, चीपर भी है। मतलब जो टैक्सी आज कंपटीशन के समय में एक रीजनेबल रेट पर मिल जाए वो भी व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में सीएनजी की गाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जाए। तो एक प्रयास है जिससे पटना के लोग अन्य महानगर दिल्ली मुंबई कलकत्ता में जो सुविधाएं मिल रही है पटना के लोगों को भी मिले। यह प्रयास किया गया लोगों का रिस्पांस बढ़ेगा। इन लोगों ने कहा है कि गया में मुजफ्फरपुर में जो बड़े शहर हैं बिहार के भागलपुर है वहाँ भी इस सुविधा को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग इनसे बात करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने लाइसेंस दिया है तो ये लोग जैसे जैसे बिजनेस की डिमांड होगी वहाँ पर भी ये लोग जाएंगे। हमारे हम लोगों ने कहा है कि पटना से नालंदा गया।